मैं डॉक्टर एलके झा, एक सीनियर कंसल्टेंट और डायरेक्टर हूँ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट और नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट, जो धर्मशीला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में है, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। और मैं, मेरी स्पेशलिटी जो है वो किडनी रिलेटेड बीमारियाँ और जैसे किडनी ट्रांसप्लांट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ मरीज़ हमारे पास आते हैं, उनको एडवाइज़ करना, सही सलाह देना, यही काम है। किडनी की बीमारियाँ एक्चुअली कई अलग अलग वजह से भी हो सकती हैं और कई तरह तरह से प्रेजेंट करती हैं, लक्षण होते हैं तो। लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम किडनी की बीमारियों को दो भाग में बांट सकते हैं। एक कहते हैं जिसको एक्यूट किडनी की बीमारी, एक्यूट से हम मीन करते हैं सीवियर तो है लेकिन टेम्प्ररी है, कई दफ़ा वो 80-90% लोगों में वो टेम्प्ररी होता है, तो कुछ टाइम में उसकी रिकवरी होने की काफ़ी गुंजाइश होती है। शुरुआती दिनों में अगर सही समय पर आप पकड़ पाएँ उस एक्यूट वाली किडनी प्रॉब्लम को और उसका अच्छा सही जगह से उपचार हो जाए तो 3 हफ्ते नहीं 4 हफ्ते, इतना समय कई बार लग जाता है। कुछ लोगों को उस पीरियड में इवन डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है लेकिन वो फिर रिकवर कर जाते हैं, ऑलमोस्ट 80-90% उसमें से रिकवर कर जाते हैं। कुछ ज़रूर होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम लंबे टाइम चलती है, वो एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर। और दूसरी एक और ग्रुप की बीमारी है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी बीमारी या क्रॉनिक किडनी फेलियर, शॉर्ट में CRF भी बोलते हैं। तो ये बीमारी ऐसी है जो आती धीमे धीमे है लेकिन वो बिल्कुल परमानेंट नेचर की है और समय के साथ कुछ महीनों में, कुछ सालों में धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते किडनी की वर्किंग 50%, फिर 20%, फिर 10%, इस तरह से वो घटती जाती है जब तक, और लक्षण के साथ प्रॉब्लम, परेशानी ये है कि जब तक किडनी 50% तक भी काम कर रही है उसके लक्षण नहीं आते, तो एक तरह से साइलेंटली वो आती है। और 50% तक डैमेज तक मरीज को, डॉक्टर को, लैब्स की रिपोर्ट भी कई बार नॉर्मल आती हैं और वो कुछ हद तक नॉर्मल आती हैं, फिर बाद में जब टेस्ट करो तो वो एबनॉर्मल आने लगती हैं। फिर जब उसके लक्षण शुरू होते हैं, जिनमें प्रोमिनेंट अगर लक्षण की हम बात करें तो वो सूजन है, भूख का कम लगना है, कमज़ोरी बढ़ना, जल्दी थक जाना, खून की कमी, उल्टी हो जानी और सूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाना जिसमें सांस की परेशानी शुरू हो जाती है, बैठे बैठे भी सांस फूल रहा है, रात को लेटने में सांस फूल रहा है, तो ऐसी जब परेशानी शुरू हो रही हो, अपने नॉलेज में है कि किडनी की बीमारी है, उसको ज़्यादा दिन तक आप नेग्लेक्ट बिल्कुल भी ना करें। सही समय पे डॉक्टर से, जो फिजिशियन डॉक्टर हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट जो स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं, उनसे ज़रूर मिलें। कई जगहों पे ये अगर सही समय पे उपचार ना करें तो जानलेवा या काफ़ी परेशानी भरा हो सकता है समय। तो ये किडनी की बीमारी अगर हम उसको देखें कि उसके वजह क्या है, क्या वजह है जिससे किडनी इस लेवल तक पहुंच भी जाती है हमारी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में है वो है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ जितने हम किडनी फेलियर के पेशेंट देखते हैं उसमें कई बार आधे तक या 30-40% तो ज़रूर से ज़रूर वो डायबिटीज़ की वजह से किडनियाँ उनकी ख़राब होती हैं। वो समय लगता है 5 साल 8 साल 10 साल शुगर को अनकंट्रोल रहते हुए में या कंट्रोल होके भी उनकी परेशानी बढ़ती जाती है धीरे धीरे। सेकेंड वजह है ब्लड प्रेशर, खास करके अगर वो बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है ब्लड प्रेशर तो वो परेशानी की वजह बनती है। वजह इसके अलावा भी है, किडनी की स्टोन डिजीज़ है, कई बार जो ओवर द काउंटर हम मेडिसिन खा लेते हैं, खास करके पेन किलर्स दवाइयाँ, जो दर्द की दवाइयाँ हैं वो बगैर किसी से पूछे समझे कोई भी दवा खा ली तो वो कहीं ना कहीं लंबे टाइम में किडनी फेलियर में तब्दील हो सकता है, प्रेजेंट कर सकता है इस तरह से। तो शुरुआती लक्षण तो जैसे मैंने बताया हल्के होते हैं, जब धीरे धीरे ये परेशानी होता है आप टेस्ट कराते हो पता चलता है कि नहीं। इसमें हम लोग कॉमन टेस्ट जो होते हैं, ब्लड यूरिया होता है, एक क्रिएटिनिन होती है, ये बड़ी कॉमन टेस्ट हैं, ये टॉक्सिन्स हैं शरीर के लिए, इनका है रोज़ का बनना है रोज़ का निकलना है। लेकिन अगर किडनी काम ही कम कर रही हो, खास करके जब 10% और 20% की उसकी वर्किंग हो रही है, तो इसका लेवल जो है ये एक तरह से जहरीले तत्व हैं जो शरीर में बन रहे हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो बढ़ते जाते हैं, जब काफ़ी बढ़ जाते हैं तो उसमें वो उल्टी की वजह, सांस फूलने की वजह वही बन जाते हैं। अब इसका इलाज शुरुआती दिनों में अगर पकड़ में आ जाता है फिर तो हम रिवर्सल की भी बात कर सकते हैं, नहीं रिकवरी हो जाएगी, आप निश्चिंत रहो, ये दवाई खाओ, जो भी है जैसी समस्या होगी उसके हिसाब से इलाज हो पाएगा। लेकिन कई बार वो 4-6 महीने से ज़्यादा अगर शरीर में रह जाती है बीमारी तो वो इरिवर्सिबल हो जाती है, जहाँ पर हम वो रिवर्स नहीं हो सकती, प्रोग्रेसिव होती है, वहाँ पर हमें लक्षणों को तो इलाज करना ही पड़ता है। लेकिन जब ये 10% से भी कम काम करने लग जाए उस समय हमारे पास फिर दो इलाज निकल के आते हैं, या तो फिर डायलिसिस कराइए या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराइए। आज के समय में डायलिसिस के अगेन दो तरीके हैं, एक है जो ब्लड की डायलिसिस है, वो आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, हफ्ते में 2-3 बार, 4-4 घंटे का प्रोसेस है और वो मतलब परेशानी लक्षण आपको आराम दे देगा, लेकिन आप ये समझना ज़रूरी है कि उसमें किडनी
रिकवरी नहीं होती, आप उसको किडनी के लक्षण को ज़रूर कम कर सकते हैं और डायलिसिस में इतना बार आराम आ जाता है। आजकल के समय में डायलिसिस की फैसिलिटीज़ अच्छी होती गई है, जैसे हमारे सेंटर पे 20 से ज़्यादा मशीनें हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है उसमें। डायलिसिस अगर करते रहें 15 साल और 20 साल तक भी कुछ पेशेंट्स हैं जिनको पिछले 15 साल से डायलिसिस हो रही है और वो आज भी फंक्शनल हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उस तरह के पेशेंट भी मैनेज होते हैं। दूसरा तरीका है जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। ये डायलिसिस है जो अब पेशेंट को समझाना हमारा ज़रूर काम है, लेकिन करना जो है वो घर के सदस्य पेशेंट और खुद घर पे वो कर लेते हैं। इसको हम वाटर डायलिसिस भी बोलते हैं या CAPD। ये घर में मरीज़ खुद अपने घर में अपने बेडरूम में डायलिसिस कर सकता है। तो ये दिन में ज़रूर 3 बार करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ अगेन रिजल्ट्स हमें हीमोडायलिसिस जैसे कई बार मिल जाते हैं। थोड़ा सा साफ़ सफाई घर पे वो मेंटेन करना ज़रूरी है। जब आप डिटेल्स में और जब पेशेंट आते हैं डॉक्टर के पास तो उनको हम समझा सकते हैं किस तरह से करना है, ट्रेन करनी होती है, ट्रेनिंग हो जाती है ऐसे, उसके लिए मेडिकल की बहुत डिटेल नॉलेज नहीं, साफ़ सफाई की जानकारी वो होनी चाहिए। इन दोनों के अलावा तीसरा जो है किडनी ट्रांसप्लांट, और अगर बताऊं तो यंग पेशेंट्स के लिए वही सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट इसलिए माना जाता है, बार बार हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जैसे डायलिसिस के लिए आना पड़ रहा हो 4-5 घंटे हर 3 दिन पे 2 दिन पे आना पड़ रहा हो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, दवाइयाँ ज़रूर खानी पड़ती हैं, और लेकिन इसके साथ लाइफ कई बार लंबा 15-20 साल और उससे भी लंबा समय निकल जाता है दवाइयों के साथ, और बंदा ऑफिस पर्सन जा सकता है, पेशेंट ऑफिस जाना, वर्क पे जाना, पढ़ाई करना, जो पढ़ाई वाले हैं, तो वो सारा कुछ किया जा सकता है जब आप ट्रांसप्लांट करा लेते हो। इसमें ज़रूर है कि घर परिवार से किडनी का डोनर होना चाहिए, और ग्रुप वगैरह ब्लड ग्रुप हम लोग चेक करते हैं, डोनर की फिटनेस चेक होती है, और उसके अलावा ऑपरेशन हो जाता है जो कि ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में ज़रूर रहना पड़ता है, और धीरे धीरे वो 1 महीने तक में वो अपने काम पर जाने लायक स्थिति में भी आ सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के साथ आजकल लॉन्गिविटी काफ़ी बढ़ गई है, और कई बार समय हमें 20 साल 25 साल मिलता है। जिन लोगों की एक ट्रांसप्लांट के बाद किडनी में कुछ समस्या भी आई है उनको हम या तो डायलिसिस या सेकेंड ट्रांसप्लांट के लिए प्रमोट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं।